नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज आप लोगों को फ्रेंच ब्रेड विथ चीजी गार्लिक स्टोर बना के दिखाएगा। ओवन के अंदर भी बना के दिखाएगा और गैस के ऊपर भी बना के दिखाएगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? मैदा चाहिए 600 ग्राम और शुगर चाहिए 1 स्पून, सॉल्ट आपको अंदाज के अनुसार 20 ग्राम्स, ईस्ट यानी ड्राई ईस्ट। और गार्लिक टोस्ट के लिए क्या चाहिए? गार्लिक चॉप चाहिए, पसली चाहिए चॉप, ए इटालियन हर्ब्स ऑरिगानो, ए चिल्ली फ्लेक्स और बटर जाएगा और मज़रोला चीज़ और थोड़ा ऑलिव ऑयल। सबसे पहले मैं ओवन को हीट करने देगा। ओवन को मैं 250 डिग्री में हॉट करने के लिए लगेगा। बाद में हॉट हो जाएगा, उसके बाद मीडियम करके स्टार्ट करेगा। सबसे पहले क्या करना, हमारे पास मैदा यानी फ्लावर 600 ग्राम है। इसमें मैं शुगर डालेगा 1 टीस्पून, नमक डालेगा 1/2 टीस्पून और ईस्ट है इसमें 20 ग्राम। ये सब एक साथ मिक्स करना है। उसके बाद आपको हल्का हॉट वाटर है वो डाल के आपको मिक्स करना है आराम से। अब इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल डालना है। हमारा डो रेडी हो गया। अब इसमें हल्का सा ऑयल हाथ में लेके उसके बाद एक घंटे के लिए मैं डबल होने के लिए रख देगा। आपके पास फ्लिंग फ्लिंग है तो उससे करो, नहीं तो एक मार्जिन क्लॉथ में डैम पानी डाल के उसके बाद सुखा के डालो। अभी मैं एक घंटे के लिए रख देता हूँ। ठीक है सर, सुनो हम करते हैं। अभी भी मेरा डो 1 आवर हो गया, ये डबल हो गया है। अभी इसको मैं डिवाइड करेगा। पहले थोड़ा फ्लावर डालेगा, इसको मैं 4% करेगा। सबसे पहले थोड़ा रोल करके चार पार्ट करके रखा। सबसे पहले एक ट्रे में थोड़ा ऑयल डाल के ग्रीस कर लेगा। अभी मैं ग्रीस हो गया, थोड़ा सा मैदा लेगा मैं एक डो को। इसको ऐसे करके ट्रे में डालेगा। अभी इसको थोड़ा चाकू से काटने का। इसके बाद एक ब्रश लेना है, पानी डाल के थोड़ा पानी ऊपर ग्रीस मारना है पानी का।
आप चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं। अभी इसको 20 मिनट के लिए ऐसे रख देने का। अभी फ्रेंच ब्रेड 20 से 25 मिनट हो गया और डबल हो गया। अभी मैं ओवन में बेक करने के लिए डालूंगा। ओवन को पहले मैं 250 फारेनहाइट में हीट किया था, अभी मैं इसको 180 में हीट देके अंदर डालेगा बेक करने के लिए 10 से 15 मिनट, 10 और 15 मिनट्स। अभी मैं जो गार्लिक टोस्ट होएगा उसके लिए सबसे पहले बटर डालेगा। ये बटर रूम टेम्परेचर है और फ्रिज से एक से आधा घंटा पहले बाहर निकाल के रखो। इसमें मैं गार्लिक डालेगा। पार्सली डालेगा, ये पार्सली चॉप है। थोड़ा ऑलिव ऑयल, ये सब एक साथ अच्छा से मिक्स करना है। अभी ये जो गार्लिक है ये ओवन के अंदर जो टोस्ट करेगा उसके लिए, और जो मैं चूल्हा का ऊपर गैस का चूल्हा का ऊपर जो बनाएगा उसके लिए क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है, इसमें थोड़ा बटर डालना है और थोड़ा ऑलिव ऑयल डालना है। इसके लिए गार्लिक थोड़ा सौते करना है क्योंकि ये गैस के ऊपर है। गार्लिक अगर सौते नहीं करेगा तो गार्लिक का स्मेल आएगा। भाई मैं थोड़ा गार्लिक इसमें सौते कर लेगा। अभी गार्लिक लाइट ब्राउन हो गया, अभी चूल्हा को बंद कर देगा। अभी जो ब्राउन किया एक बोल में डालेगा। इसमें थोड़ा पार्सली चॉप डालेगा और थोड़ा ऑरेगानो और थोड़ा चिल्ली फ्लेक। अभी 15 मिनट हो गया, 15 मिनट्स हो गया, हमारा ब्रेड है डन। अभी अच्छा से पक गया। इसको 10 मिनट के लिए नहीं तो 5 मिनट के लिए ठंडा होने को देने का। अभी मेरा ब्रेड कोल्ड हो गया, कितना बढ़िया कलर हुआ। अभी ब्रेड को मैं थोड़ा एंगल करके काटेगा। अभी ब्रेड स्लाइस हो गया। अभी इसमें जो गार्लिक हम कच्चा गार्लिक है जो बटर के साथ मिक्स किया वो पहले लगाएगा। अभी हो गया। अब ब्रेड स्लाइस से भी कर सकता है गार्लिक टोस्ट। ऐसे ब्रेड लेना है स्लाइस। अभी इसके ऊपर मजदूरा चीज जो है थोड़ा मजदूरा चीज देगा। आप चटर चीज भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास मजरोला चीज नहीं है मजरोला, अब चेडर चीज भी डालो। अभी मजरोला चीज डाल दिया। इसके ऊपर इटालियन हर्ब्स है ऑरेगानो, थोड़ा सा ऑरेगानो। उसके बाद चिल्ली फ्लेक्स जो है वो थोड़ा सा डाल दो। अभी इसको मैं ओवन में बेक होने के लिए डालेगा। अभी बेक होने के लिए मैं डालेगा
ये 6 से 8 मिनट 8 मिनट्स और 9 मिनट्स इसको बेक होने के लिए लगेगा। अभी मैं जो गैस के ऊपर टोस्ट बनाएगा वो सबसे पहले गैस को चालू किया, थोड़ा सा बटर डाला, जो गैस के ऊपर करना है टोस्ट को एक साइड टोस्ट कर लेने का ब्राउन। अब एक साइड ये टोस्ट हो गया, इसको दो साइड नहीं करना है। अभी क्या करना है, जो गार्लिक में सौते किया थोड़ा सा फ्राई किया, अभी ये उसी में डाल देगा, दो साइड टोस्ट किया उसी साइड में डाल। अभी इसी में जो पका हुआ गार्लिक है वो डाल दिया, इसके ऊपर मोज़रेला चीज डालेगा। उसके ऊपर ऑरिगेनो हर्ब्स और चिल्ली फ्लेक थोड़ा, फिर से तवा थोड़ा गरम किया, थोड़ा सा बटर डाल दिया। अब ये जो टोस्ट है ये आराम आराम से डालेगा, गैस को थोड़ा स्लो कर देगा और इसको 2 मिनट के लिए मैं ढक के रखेगा, इसको कवर करके रखेगा 2 मिनट के लिए। अभी 2 से 3 मिनट हो गया, ये हमारा हो गया, ये अभी निकल देगा, गैस बंद कर देगा। अभी जो चूल्हा का अंदर जो बना है ओवन का अंदर, ये भी बहुत बढ़िया कलर हो गया। अभी गैस को बंद करेगा, चूल्हा को बंद करेगा, वो एक कलर है और जो गैस का चूल्हा को बना है ये ऐसे कलर है। अभी एक प्लेट में आप डेकोरेशन करके सर्विस कीजिए। ये कितना बढ़िया कलर हुआ, कितना अच्छा हुआ। अब कभी भी एक गार्लिक टोस्ट, चीज़ी गार्लिक टोस्ट बना के खा सकते हैं। आप मेरे हमारा रेसिपी देखिए, अगर पसंद हुआ तो लाइक का एक बटन दबाइए। ओके।